आसान रेसिपी है। और यहाँ पर जी हमारा चिकन भी कितना नरम मज़ेदार हल्की आँच में हमने इसको दम लगा दिया हुआ था। जनाब आप इसको हाथ के साथ भी तोड़ सकते हैं। मैं दस रहा हाथ नाल भी तोड़ सकते हैं मगर एक गल के प्रोफेशनली स्टाइल दे वैसे जो ये जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल को प्रेस करके तमाम मेरी वीडियो आपके पास आती रहे। खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दुआ में याद रखें यहाँ पे प्रॉपर मज़े मज़े के कलर हैं यहाँ पे बिरयानी के। और यहाँ पे जी हमारा ये देख सकते हैं कि नहीं आपके साथ देखिए बिरयानी की प्रॉपर रेसिपी शेयर कर दी है। इसको भी हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसको मैं लगाऊंगी दम, फिर इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। फिर इसका मज़ेदार सा कलर भी रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं आप। तो बस हम थोड़ा सा वेट करेंगे पानी की और ऊपर तो क्या क्या इसके अंदर जाएगा। पानी को बॉयल करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। तकरीबन भर के ना मैंने एक प्याली के करीब ना, और यहाँ पे मेरे पास अभी टमाटर तकरीबन 1 किलो टमाटर है, इसमें लहसुन है, इसका मैंने पेस्ट डाल दिया है। अच्छा जी यहाँ पे है मेरे पास चटनी है जो कि आपके साथ हम शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम आल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, कामरा भी ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे। अपनी फैमिली के साथ अल्लाह पाक साहब की दिल की फाइफी करे। आमीन। जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे। जो लोग बीमार अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदरुस्ती और शिफा दे। जो लोग बेऔलाद अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद से नवाजे। जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटी दे। जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटा दे। अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे। आमीन। जो लोग कारोबार से परेशान है अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे। जो लोग बच्ची और बच्चों के रिश्ते से परेशान है अल्लाह पाक सब बच्ची के नसीब अच्छे करे और सब बच्चों के मुकद्दर अच्छे करे। आमीन। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेरी आल फैमिली के लिए लव यू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे, अपनी इस दुआ मार में रखे। माशाल्लाह जी बहुत प्यारे कमेंट्स हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं। आल फैमिली के लिए लव यू। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल को प्रेस करें ताकि तमाम मेरी वीडियो आपके पास आती रहे। आज हम बनाएंगे देगी बिरयानी, इजी रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी फ्रेंड्स पानी मैंने इसके अंदर ना माशाल्लाह डाल दिया है। ऑयल मैंने डाल दिया है तकरीबन मतलब चावलों के हिसाब से ही ना। पहले चाय पकाती हूँ, 4 किलो एक जगह भी बनाती हूँ तो 4 किलो एक जगह मैं बनाती हूँ प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास प्याज है जी बड़े वाले। प्याज का थोड़ा सा होता ना कलर चेंज जो कि आपके साथ करेंगे शेयर। यहाँ पे जी मैंने रखा हुआ प्याज, सबसे पहले थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। इसको जी मैंने निकाल लेना है। ये देख सकते हैं सबसे पहले मैंने प्याज डाला है और यहाँ पे जी सिरका और नमक लगा के चिकन को वॉश कर लिया हमने। तो यहाँ पर जी हम बनाएंगे देगी बिरयानी के अंदर क्या क्या मसाले जाएंगे सारी प्रॉपर रेसिपी आपके साथ हम शेयर करते हैं। अच्छा जी फ्रेंड, सबसे पहले जी मैंने इसके अंदर प्याज डाला, अभी मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ प्याज है। इसको मैंने गोल्डन करना है, गोल्डन करके फिर इसको मैंने निकाल लेना है। कलर इसका चेंज कर लिया हमने, इस तरह से इसको हमें निकाल लेना है। और हम बनाएंगे जी यहाँ पे देगी बिरयानी और इजी रेसिपी है जो कि आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये है जी प्याज मैंने निकाल लिया, अभी इसी ऑयल के अंदर मैं डालूँगी चिकन। इसी के साथ मैं डालूंगी इसके अंदर चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। हम यहाँ पे बनाएंगे देगी बिरयानी, इजी रेसिपी है, आसान रेसिपी है। चिकन को हम करेंगे फ्राई इसी ऑयल में, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आसान रेसिपी होगी जो कि आपके साथ मैं करूँगी शेयर। चिकन को मैंने साथ में करना है फ्राई। मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट, चार चम्मच के अंदर शामिल करते हैं हम तकरीबन 1.5 प्याली के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला जी। इसको मैंने करना है अच्छे से फ्राई, तकरीबन 10 मिनट इसको फ्राई करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट मैंने क्या करना है। साथ ही रहिएगा, इंशाल्लाह प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी फ्राई यहाँ पर देखेंगे चिकन का कलर चेंज हो गया है और इसमें मैंने कर लिया फ्राई। यहाँ पे हम बना रहे हैं जी देगी चिकन बिरयानी और इजी रेसिपी है। तो जी यहाँ पे हम मसाले डालते हैं। यहाँ पे मेरे पास है जी हरी मिर्चों का पेस्ट है, इसका 1 चम्मच मैंने डाल दिया तकरीबन भर के ना मैंने एक प्याली के करीब ना,
और यहाँ मेरे पास अभी टमाटर तकरीबन 1 किलो टमाटर है। इसमें इसका मैंने पेस्ट डाल दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे है मेरे पास तेज पात है, इसके अंदर यहाँ पे जी लाल मिर्च पाउडर है अपने मेरे पास जो है ना, मैं बना रही हूँ यहाँ पे 5 किलो के करीब है, ठीक है। और तकरीबन 4 किलो मेरे पास चिकन है और 4 किलो ही मेरे पास चावल है, ये 8 किलो हो गए। यहाँ पे उसके हिसाब से मैंने मसाले लिए हैं। यहाँ पे मैंने इमली ले ली है, आलू बुखारे ले लिए हैं, काली मिर्च ली है, दालचीनी ली है, मोटी इलायची, जीरा और लौंग। तो यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मसाले चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अगर आप इसके अंदर बिरयानी मसाला डालना चाहें तो डाल सकते हैं आप ही अपने। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। पहले मैं चिकन बिरयानी बना लेती हूँ, बाद में हम बनाएंगे पुलाव, क्योंकि फिर मेरे पास यहाँ पे जो मटीरियल था ना, ये थोड़ा ज़्यादा था उस पतीले में, तो मैंने ना बस इसकी बुनाई करनी शुरू कर दी है। साथ साथ रहिएगा, प्रॉपर रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ ना। यहाँ पे सारा कुछ कामरा साहब आ ही गए हैं चक्कर लगाने, तो वो कहते हैं मैं आता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे चावल वगैरह पर रखे हुए हैं, कामरा साहब धो के भी गो के चले गए हैं, तो मैं जो अपना काम कर रही हूँ यहाँ पे, इंशाल्लाह प्रॉपर रेसिपी बना रही हूँ, बिरयानी की रेसिपी बना रही हूँ, पुलाव लोग लगा रही हूँ। चलिए फ्राई यहाँ मसाले वगैरह मैंने डाले हैं, इसकी मैंने की है बुनाई, देखिए इतना प्यारा सा कलर इसका आ गया। अभी मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ, यहाँ पे मेरे पास है जी गरम मसाला, भर के इसके डालेंगे जी। बहुत स्पाइसी है और मैंने बड़ा तेज मसाला बनाया हुआ, ये घर का मसाला है। और यहाँ पे दी जाएगा बिरयानी मसाला। बुनाई करके ना अच्छे से इसकी बुनाई करके फिर मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला डाला है। और यहाँ पर मेरे पास है दही, जिसमें लाल रखमान रही दही भी इसके अंदर शामिल कर दिया। और इसकी हम करेंगे बुनाई, इसी के साथ मसाला वगैरह बुनाई करके, ये देखिए जी हमारा इसका जो चिकन का प्यारा सा कौरमा रेडी है। तो बस इसको हमने अच्छे से बुनाई करनी है। और मेरे पास यहाँ पे है ये है जी फूड कलर, इसको मैंने मिक्स कर लिया और उसको हमने डालना है इसके अंदर, जिसमें अल्लाह कितनी ज़रूरत है मैंने उतना डाल दिया। अभी मैंने ना इसको अच्छे से करना है, इसकी बुनाई करनी है। तो चावलों को जो एक साइड पे मैं रखेंगे। यहाँ पे मेरे पास है जी एक प्लेट, यहाँ पे जी है मिक्स अचार, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो बस जी इसी हम करेंगे जी अच्छे से भून लो भैया इस तरह से माशाल्लाह। तो एक साइड पे हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं, तो नेक्स्ट आपको दिखाते हैं मैंने क्या करना है। यहाँ पे जी प्रॉपर जो सारे मसाले हैं मैंने इसी के अंदर शामिल कर दिए हैं, फिर इसका मज़ेदार सा कलर भी रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं आप। तो बस हम थोड़ा सा वेट करेंगे पानी की और ऊपर, तो क्या क्या इसके अंदर जाएगा पानी को बॉयल करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने ना बड़े अच्छे पतीले में ले लिया पानी, इसको हम करेंगे पानी को ना चावलों को बॉयल करेंगे। पानी हमने ना ज़्यादा लेना है, बड़ा सा बर्तन होगा ना तो हमारे जो चावल हैं वो खिले खिले बनेंगे, वो टूटेंगे नहीं। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने डालने वाली हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जीरा है, काली मिर्च है, तेज़पात है और थोड़े से लीम है और नमक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये पानी के अंदर हम करेंगे शामिल इसको। और इसी के साथ ना ये मेरे पास सिरका है, सिरका हम डालेंगे तकरीबन ना। सिरका हम क्यों डालते हैं? सिरका हम इसलिए डालते हैं कि चावल जो हमारे अकेले अकेले रहेंगे टूटेंगे नहीं। इसी के साथ ना थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूंगी कुकिंग ऑयल, बस इतना ही जाएगा। इसको मैं कवर कर दूंगी, इसका बॉयल आएगा, इसके अंदर हम चावल डालेंगे जो कि मैंने ना तकरीबन घंटा हो गया है, मैंने देगी चावल लिए थे तो वो मैंने रखे हुए हैं भिगो के। तो यूं ही मतलब कि चावल का पानी बॉयल आता है, आपको मैं दिखाती हूँ मैंने क्या करना है। अच्छा जी, यहाँ के पानी को बॉयल आ गया है, तो जी हम इसके अंदर डालेंगे चावल जो कि हमने यहाँ पर रखे हुए थे भिगो के। आ जाओ। अच्छा जी, यहाँ पर पानी को बॉयल आ गया, कामरा साहब इसके अंदर चावल डालने वाले हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्योंकि चावलों को ये देगी मतलब कि चावल है इसलिए ज़्यादा है, तो इसके ऊपर जाएंगे ये चावल। ये यानी इसके अंदर मैंने डाले थे ना वो अपना लीमू डाला था, थोड़ा सा सिरका डाला था, यहाँ पे चाव पानी को बॉयल आ गया। तो बस इसको ना हमने ना ज़्यादा से ना इसको ना बॉयल नहीं करना, इसकी थोड़ी सी हमने कनी रखनी है। तो जो ही ये बॉयल होते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट मैंने क्या करना है। जी मैडम जी, बिस्मिल्लाह, यहाँ पे जी हमने ना इसको ना 89% इसको हमने कर लिया बॉयल। तो बस जी इसको हमने ना इसको छान लेना इसी तरह सारे चावलों को ना। 75 या 89?
तो वहाँ पे मेरा कोरमा भी रेडी है माशाल्लाह। तो सारे चावलों को यहाँ पे निचोड़ के फ्राई लो, आप दिखाते हैं नेक्स्ट मैंने क्या करना है। ठीक है जी। अच्छा जी फ्रेंड, यहाँ पे जी मैंने ना चावलों को बॉईल करके छान लिया है। तो यहाँ पे जी बड़ा सा पतीला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको रखते हैं जी। यहाँ पे चूल्हा देखे जी कितनी आग है, इसको मैंने अब लगा देना है दम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी इसको दम लगा देंगे। यहाँ पे मेरे पास चावल है, इसको हम डालेंगे इसके ऊपर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जी हमने हल्की आग पे लगा देना है दम करीबन 20 मिनट। चावल थोड़े 98% मैंने इसको बॉयल, नहीं 89, हाँ जी 89% इसको मैं हूँ, तो आप ही मुझे बना देना, लोग बना हुआ है। अच्छा जी 89% इसको मैंने बॉयल किया था, अभी इसके अंदर कनी है, ठीक है ना। अभी मैंने क्या करना है, इसी तरह से मैंने इसको कवर कर देना है। तो इसको मैंने दम लगा देना है, दम लगा के मेरे पास यहाँ पे है मेरा। अच्छा जी फ्रेंड, यहाँ पे जी मैंने ना सबसे पहले ना प्याज को किया था ब्राउन, ठीक है ना, मैंने भी निकाल लिया था। तो मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज, गोल्डन ब्राउन जो मैं किया हुआ था। यहाँ पे मेरे पास लीमू, टमाटर और पुदीना और हरा धनिया, इसको मैंने इस तरह कटिंग कर लिया था, ठीक है। इसकी हम लेयर लगा लेते हैं। जो नीचे वाला सामान था ना वो मैंने नहीं छेड़ा, उसको हम वैसे ही रहने देंगे, थोड़ा सा फूड कलर है, ऐसे रख के ना थोड़ा थोड़ा डालेंगे ज़्यादा नहीं। अच्छा जी इसके ऊपर हम डालेंगे दूसरी लेयर, जिसमें आप मान रहे हैं इसको थोड़ा सा सेट करेंगे इस तरह से ना इसको। इसको मैंने ना तकरीबन 15 से 20 मिनट लगा देंगे एकदम प्रॉपर, फिर आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसको हम हिला लेंगे इसी तरह से ना, ये दूसरी लेयर भी लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं आगे आप सर, आपके साथ देगी बिरयानी की प्रॉपर रेसिपी शेयर कर दी है। इसको भी हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसको मैं लगाऊंगी दम, फिर आपको फाइनल लुक डिश आउट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसको हम दम लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो जी फ्रेंड फाइनली इसकी आपको लुक दिखाते हैं देगी बिरयानी की माशाल्लाह। तो जी जब हम देग वाले के पास जाते हैं चावल वगैरह लेने, तो वो जी एक सैर से स्टार्ट करते हैं, जिस तरह मैं यहाँ से करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितनी हमें चाहिए होगी, जिस तरह हमें चाहिए होगी। माशाल्लाह सैर से इसको बनाएंगे। और यहाँ पे जी हमारा चिकन भी नीचे से माशाल्लाह लुक देख सकते हैं इसकी। ये जी फाइनल लुक इसकी माशाल्लाह। हमारा साहब कहते कि ऐसे ऐसे ना, जैसे कि देख वाले नहीं करते जनाब। माशाल्लाह देखो जी आज व्हाइट भी आ गए और दूसरा भी, और वाह। कामरा साहब आते हैं ना इसको, आ जाओ मेरे जना, आप ही आ जाओ। माशाल्लाह तुसी डाल के दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी माशाल्लाह जी हमारी जो फाइनल लुक आपके सामने, इसका कलर देख सकते हैं आप। इसको प्रॉपर हम डिश आउट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह 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 जी, बहुत अच्छी खुशबू, मज़े की खुशबू आ रही है। वाह कलर बड़ा बढ़िया लग रहा है इसका। ये है जी माशाल्लाह। और जी डिश के विच आसपास डाल दिया तो फिर मैं देखना है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वाह वाह जी माशाल्लाह जी। ये है जी हमारी माशाल्लाह से हमारी देगी बिरयानी, जो जो रेसिपी प्रॉपर आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। तो बस आप इसकी लुक देखें और मज़ेदार सी बिरयानी आपने करनी है इंजॉय। माशाल्लाह बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार बनी है। अब तो ये मैं नहीं बताऊँगी, ये कामरान बताएंगे, खा के बताएंगे, मुझे बताएंगे ये जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल को प्रेस करके तमाम मेरी वीडियो आपके पास आती रहे। खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दुआ में याद रखें, यहाँ पे प्रॉपर मज़े मज़े के कलर हैं यहाँ पे बिरयानी के। और यहाँ पे जी हमारा जो चिकन है ना वो भी बड़ा अच्छे से टेंडर हो चुका है,
कमाल का हो चुका है जनाब, इसको टेस्ट करते हैं। वाह यार माशाल्लाह, खुशबू बहुत प्यारी है। माशाल्लाह जी कामर साहब जी, जनाब इसको करने वाले हैं टेस्ट करने वाले हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह तैयो बिरयानियां। माशाल्लाह जी माशाल्लाह आसमा। आए हाय लागे पीसते हैं जी, दौड़ दौड़ जान दे जी, जी पता नहीं की गल है, कोई स्वाद का कम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीन कर आसमा इन्ना क जबरदस्त इन्नी क खुशबू आ रही है, और ए बुरकी जड़ी है ना, आए हाय हाय आयो। माशाल्लाह कामरा साहब ने जम्बू बुरकी, जम्बू ऐ वाली बुरकी, ऐ जी बुरकी खाओ तो फिर पता चल जाएगा कि बिरयानी की बुरकी खानी है। खुशबू बिस्मिल्लाह गरम नहीं। आ हा माशाल्लाह माशाल्लाह स्वाद, मजा ही आ गया यार। वाह यार जे कहने एडी बुरकी नहीं ना खादी फिर मजा कोई नहीं। तो यहाँ पे जी फ्रेंड्स फाइनली इसकी जो लुक है ना आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से प्रॉपर इसका कलर और मज़ेदार सी हमारी यहाँ पे जी देगी बिरयानी है रेडी। तो मज़ेदार सी हमने बनाई है, इसी तरह से आसान रेसिपी है। और यहाँ पे जी हमारा चिकन भी कितना नरम मज़ेदार हल्की आँच में हमें इसका दम लगा दिया हुआ था। जनाब आप इसको हाथ के साथ भी तोड़ सकते हैं। मैं दस रहा हाथ नाल भी तोड़ सकते हैं, मगर एक गल के प्रोफेशनली स्टाइल दे विच जो कोदा कि अगे पिछे गेदा है ना, यह कामड़ की इमेज भी नजर आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे जी फ्रेंड्स फाइनली अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज की वीडियो आती रहेगी आपके पास। और मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं खाने की, रेसिपी की, देसी खाने की, प्रॉपर हर तरह की वीडियोज़ हैं। आप देखें, मुझे बताएं मेरी रेसिपी होती है आपको कैसी लगती है, होती भी ईजी रेसिपी है। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट आऊँगी, चाहूँगी इजाज़त। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हम आएंगे।